अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक लेक्चर रीडिंग लेके आई हूं, जिसका टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो कीप इन माइंड, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके आलजोडिक साइन की रीडिंग देख सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, फील क्या कर रहे हैं, क्या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या वो उनकी लाइफ में उनके साथ खुश हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ देखते हैं आपके पर्सन के जानते हैं इसमें आपके पर्सन के बारे में। कीप इन माइंड, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना इसको पूरी तरह से इग्नोर करें। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन जो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। एक कार्ड और, अभी आपके पर्सन जो हैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप और आपके पर्सन दोनों आइसोलेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी गलती हो गई है आप दोनों के बीच में जो आप लोग सेपरेशन फेज पर चले गए हैं? आपके पर्सन जो हैं अभी किसी से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इनका सारा फोकस जो है अपने आप पे है, अपने कैरियर पे है, अपने बिजनेस पे है, या जिस चीज़ में ये हैं इन्वॉल्व वहाँ पे हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपके इसके बीच में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका और इसका रिश्ता जो है वो सही हो जाए। चैरियट कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्पेशली टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वर्ल्ड कार्ड है, कोई फिक्स साइन हो सकता है, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, और हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन जो हैं आपके से अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ मिसट्रीट किया आपको, आपको आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखा, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। क्योंकि ये इंसान जो है आपके पास कोई एक ऐसी ऑफ़र लेके आना चाहता है जो आपके आप जिसे देख के खुश हो जाए। यानी कि अगर इन्होंने आपसे गलती करी है कोई, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपने इन्होंने आपसे कोई कुछ भी ऐसी बात जिसकी वजह से आपका इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो ये इंसान उसके लिए रिग्रेट कर रहा है, ये माफ़ी मांगना चाहता है। इस ये इंसान यही सोच रहा है कि इसको इस रिश्ते में वर्क करना है। अब ये वर्क करना भी चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन ये अभी हर्मिट मोड पे है। तो ये जब ये हर्मिट मोड से निकलेंगे तो ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये आपके और अपने रिश्ते को इस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दी हैरोफेंट कार्ड से इस रिश्ते में मैंड करना चाहते हैं, आपके बीच में सुलह करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें ख़राब थीं, जो भी चीज़ें मैसिव हो गई थी आप दोनों के बीच में, ये इंसान उसको ठीक करना चाहता है। हो सकता है आप लोग इसे इंटरनेट के थ्रू मिले हों, कोई ऐसी जगह पर मिले हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की सोशल गैदरिंग होती है। तो मुझे तो यहाँ पे इंटरनेट नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहते हों, तो ये इंसान जो है आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। दो कार्ड ट्रैवल के हैं। आपके पर्सन की हर दफ़ा आपसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ये इंसान आपको सही से क्लैरिटी नहीं दे पाता है, आप लोग रिलेशनशिप में सही से आ भी नहीं पाते हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। किसी न किसी वजह से आप लोगों की सेपरेशन हो जाती है, हर दफ़ा एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। शायद यही रीज़न है कि इंसान की आप इस इंसान को आपकी वर्थ पता चली है और ये आपकी तरफ एक अपोलोजी लेके आना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको बाहर जाने के लिए पूछ ले, हो सकता है ये आपके साथ डेट करने के लिए, डिनर पर जाने के लिए पूछ ले। ये इंसान आपके बारे में कुछ इस तरह से फील कर रहा है। इसका सारा फोकस हो सकता है पास्ट में अपने पेंटिकल्स पे भी रहा हो, तो इसलिए शायद इसने आपको ज़्यादा अटेंशन ना दी हो और आप इसकी अटेंशन के लिए तरसे हों। लेकिन अब ये इंसान जो है बिल्कुल रेडी है आपके और अपने रिश्ते को इस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए। हो सकता है आप लोगों का कल्चर डिफरेंट हो, इनसे बैकग्राउंड डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहे हों, इसलिए इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि इसकी बहुत पॉजिटिव होकर आपके बारे में सोच रहा है। इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे।
आप देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी भी रीज़न से सेपरेटेड हो गए हैं, एक दूसरे सेपरेशन में चले गए हैं, एक कार्ड और लूँगी। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये इंसान जो है हो सकता है आपसे एज में छोटा हो, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ पहले सीरियस नहीं था, हो सकता है इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेले हों, हो सकता है इसने आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपको रिच करने की कोशिश की हो, लेकिन ये इंसान अब आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी तरफ से कोई न्यूज़ मिल जाए, इसकी तरफ से न्यूज़ भी नज़र आ रही है। देखें जैसे मैंने कहा माइंड गेम खेले हैं और निकल के आ गया है हमारे पास स्नीकी, मिस्टर स्नीकी निकल के आ गए हैं, यानी कि सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपने कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुन ली इस बंदे के बारे में, जो आपका सेपरेशन हो गया, सडन हुआ है, जो भी हुआ है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हों, या आपने इस इंसान के बारे में कोई ऐसी बात सुन ली जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपकी दुनिया ही शेक हो गई, शेकअप हो गई आप दोनों की दुनिया ही। ये इंसान आपकी लाइफ से इन और आउट रहा है, ये इंसान पास्ट में अपनी फीलिंग से भी भागा है, ये इंसान अभी भी स्नीकी बिहेवियर है इस इंसान का, ये इंसान आपको अप्रोच तो करेगा लेकिन फिर से ये वही माइंड गेम खेलेगा आपके साथ, ये इंसान आपकी लाइफ से इन और आउट रहा है, ये इंसान एक पाँव इसका आपकी तरफ होता है और एक पाँव इसका जिस सिचुएशन में है ये उस सिचुएशन में रहा है इसका एक पाँव। ये इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ में दूर चला जाता है पर आपके ऊपर नज़र रखता है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हैं, या आप किसी लोगों से मिलजुल तो नहीं रहे हैं, या बातचीत तो नहीं हो गई है आपकी, कुछ इस टाइप की एनर्जी। ये इंसान अपनी फीलिंग से भी भाग रहा है, धोखेबाज है, इसने धोखा दिया, थर्ड पार्टी में पुट किया, लेकिन इस ये इंसान आपको एज अ प्राइड देखता है, एज अ ट्रॉफी देखता है कि आप वो इंसान हैं जिसे ये इंसान पाना चाहता है, जिसे पाके ये सक्सेसफुल होना चाहता है हर हाल में। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसी मुड़ मुड़ के आपको देखता रहता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। अभी भी ये इंसान ओपन अप नहीं होगा आपसे, अभी भी आपके आगे खुलेगा नहीं, लेकिन ये पकड़ के आपको टाइटली बैठा हुआ है, आपसे आपको खोना नहीं चाहता, प्रिटेंड ये करता है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, जाओ तुम ये कर लो, चाहे तुम शादी कर लो, चाहे तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, या मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, मैं कोई सीरियस नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। यह इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये विक्ट्री का कार्ड होता है जो कि शादी का बताता है, और हमें हैरोफेंट के नीचे ही ये कार्ड मिला है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर जो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप लोगों का डिफरेंट कल्चर हो सकता है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मजहबी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान इस दुनिया के सामने जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बातें करना चाहता है, लेकिन ये इंसान आप ये मत समझिएगा, ये आपको अप्रोच करेगा तो बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें होंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, या ओपन अप नहीं होगा, ये सरसरी सी आपसे बातें करेगा, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लवी डवी टाइप की नहीं होने वाली। हाँ, ये चाहता है कि हर चीज़ें फास्ट फास्ट हों आपके और इनके बीच में, ये चाहता है कि टावर मोमेंट ख़त्म करके आपसे कम्युनिकेशन की जाए, आपसे ट्रैवल करके मिला जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और ये करेगा। आप इसे अप्रोच नहीं करें, बस आप इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही मिलेगा, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इस इंसान के बारे में आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही मिलेगा आपको इस इंसान की तरफ से। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, ये टावर मोमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप तो हो गया है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा आपने कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुन ली, मुझे लगा आपने कुछ ऐसी खबर सुन ली कि जैसे इनकी शादी हो गई है या मंगनी हो गई है, या ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में अब रखना नहीं चाहता। देखें इसका नेक्स्ट एक्शन में हमें टेन ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये दोनों कार्ड भी शादी को बता रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी ये इंसान आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहता है, ये चाहता है कि दुनिया ख़त्म की जाए, लेकिन ये जब आपको अप्रोच करेगा तो आप ये बात सोचिएगा, ये इंसान आपसे लवी डवी बातें नहीं करेगा,
आपको अप्रोच करेगा तो एक फ्रेंड बन के अप्रोच करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ी थी वो सही हो जाएंगी। आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, काम का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस इंसान को। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का। देखिए ये इंसान जो है आपके पास कोई डाउट नहीं है कि वापस आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अब ये इंसान आपकी तरफ से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके पास कैंसर हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, और क्या कहते हैं लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पर हैं। इस इंसान की रात की नींदें आपने उड़ा दी हैं, इसे सुकून नहीं मिल रहा। इस इंसान ने जो धोखा दिया है आपको, जो चीटिंग की है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो गया है। ये आपसे अब दूर नहीं रह पा रहा, भले इसका सारा फोकस अपने इस वक्त पेंटिकल्स पे हो, अपने कारोबार को सही करने में हो या कुछ भी करने में हो, लेकिन ये बटन को उतार के एक तरफ रखना चाहता है। ये अपना बटन रिलीज़ करके ये एंजाइटी से निकल के आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये इंसान आपको पहले छोड़ के तो चला गया था, लेकिन ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आएगा। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो या एरिस लियो सजिटेरियस के महीने में अब देख लें आप लोग, ये इंसान आपको अप्रोच कर लेगा। इसकी जो इंटेंशन है वो यही है कि इंसान आपकी लाइफ में रश करता हुआ आना चाहता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हों, या डिवोर्स से गुजर रहे हों, या सिंगल पेरेंट हों, या सिंगल फादर हों या मदर हों, और या आप इस, और ये भी हो सकता है कि आप जो है इस इंसान से क्लैरिटी मांग रहे हैं, मुझे क्लैरिटी दो और मेरी लाइफ में आ जाओ, ये इन आउट वाली एनर्जी से निकल जाओ, मुझे कमिटमेंट दो, और ये इंसान देगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचें। इस इंसान से आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे ये इस इंसान से आपको मिल जाएगा। तो इसका नेक्स्ट सेक्शन यही है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेगा या इसकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है रीडिंग में, बाय।